क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, ठीक होंगे और बहुत फिट होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मज़े से हूँ। और यार आज का जो है ना माहौल कुछ यूँ है कि भाई अब्बा हुजूर ने बोला कि जो है ना बच्चों की जो है ना एक्टिविटी होनी चाहिए और जो है ना स्कूल में भी यही बताते हैं कि यार एक दिन आप बच्चों को ना लाजमी बाहर लेके जाए ताकि उनकी एक्टिविटी हो। तो क्या मैं बच्चा हूँ यार? बच्चा तो हूँ यार, अपने माँ बाप के लिए बच्चा तो हूँ यार। मैं छोटा सा बच्चा हूँ अपने माँ बाप के लिए। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है ना अब्बा ने डिसाइड करा कि भाई हम लोग जो है ना आज जाएंगे डिनर करने बाहर, हाईवे जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आज खाना जो है ना बाहर खाएंगे। बहुत दिन हो गए घर के कोई खाने खा के, टंडे आलू बैगन कीमा और भिंडी, खैर होते तो सब मज़ेदार हैं लेकिन यार थोड़ा लाइफ में थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा ज़िंदगी का। तो उस चेंज को हासिल करने के लिए आज हम जाएंगे बाहर खाना खाने और जो है ना इंशाल्लाह ताला फिर खुद इंजॉय करेंगे। खाने का रिव्यू भी दूंगा मैं, खाना कैसा था और कहाँ जा रहे हैं ये भी बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यार एक बात कहना चाहूँगा मैं कि जो है ना बचपन में ना जब हमारे अम्मा अब्बा बोलते थे ना होमवर्क करने बैठो फिर जाओगे, सही है उसके पहले नहीं जाओगे, बड़ा गुस्सा होता था। मैं क्या करूँ, होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन अब जब ना खुद के बच्चे जब होमवर्क कर रहे होते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि जो चीज़ हम पे गुजरी है ना वो इन पे भी गुजर रही है। तो आज जो चीज़ मुझ पे गुजरी है ना वही सेम चीज़ अपने बच्चों को गुजार दूँगा। ये देखें अब ये दोनों बैठे हुए कर रहे हैं, ये देखें अभी क्या कर रहे हो हैं? अभी तो होमवर्क नहीं किया? बस सही है, बस सही है। जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा वो आज घूमने नहीं जाएगा। नहीं करा आपने अभी है, जल्दी से कर होमवर्क करो। जब तक होमवर्क नहीं होगा कोई बच्चा घूमने नहीं जाएगा आज। हाँ जल्दी से एक और होमवर्क भी है वो भी करो जल्दी से। सयान सोचो कम और काम ज़्यादा करो। हाँ नहीं नहीं ऐसे मत सोचो, हाँ आइंस्टाइन नहीं बनना तुमने। जल्दी जल्दी फटाफट से हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, हरी अप। आपने यही सलूक अपने बच्चों का करूँगा जो मेरा अम्मा बने मेरा बचपन नहीं किया। जब तक ये दोनों मन नहीं करेंगे ना आज मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगा। हम नाम पहले लेट हो गए, हम बैठे रहेंगे घर, हम निकलेंगे नहीं बाहर, सही है ना? तो ये होमवर्क कर रहे हैं, जब तक ये होमवर्क करते हैं मैं जा रहा हूँ तैयार होने, तैयार होकर आता हूँ फिर आपको मिलता हूँ तैयार होकर, ठीक है? जब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। दोस्तों तो भाई मैं जो है तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। मैं रेडी हो गया हूँ, मानू रेडी हो गई, बच्चे रेडी हो गए, अम्मा अब्बा सब हर बंदा रेडी हो चुका है, ठीक है। हम लोग निकल रहे हैं बस, ठीक है। बच्चों ने होमवर्क भी कर लिया है, अच्छे बच्चे हैं यार, हमारे इतना नहीं है कि आगे कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों ने होमवर्क भी कर लिया है तो बस थोड़ी देर में हम निकलते हैं, ठीक है। और फिर मिलता हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना? जब तक के लिए यार वीडियो को लाइक करो यार, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो यार, करो यार प्लीज़। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे पता है आप लोग करेंगे, आप लोग देंगे। तो इसी बात पे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं जो है ना बस यूं गया और यूं आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा घर खाली हो चुका है और मैं नीचे से मैं रह चुका हूँ, बाकी सब नीचे उतर गए। सयान सिवान ने अपना होमवर्क भी कर लिया, तैयार भी हो गए, सारे काम भी कर लिए और नीचे भी उतर गए, ठीक है। तो सब नीचे उतर गए, मैं भी जल्दी से चलता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं वहाँ पे जहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखना, सही है। भाई आखिरी इतने लंबे सफ़र के बाद, ड्राइव करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपनी जगह पे, अपने हाईवे, खाना खाने के लिए। और ये हमारी फैमिली चल रही है। सयान क्या मिला, क्या करोगे इसका? दूध बढ़ा के पियोगे? हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है, स्ट्रांग बनना है, पक्की बात है ना? हाँ। चाहिए, चलो। अबे भाई बच्चों का ये है कि बस कहीं भी आ जाओ ना झूलों में फौरन बैठना है। हाँ क्या हुआ? हेलो कहाँ है ये लोग? कहाँ है? बस
सब चीज़ें छोड़ के ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चांदपान आओ नीचे आओ आ जाओ आओ जल्दी आओ। ये देखो से फान आ गया। आओ सेहान भाई, ये जो है ना हमारा थोड़ा फट्टू बेटा है बेचारा। नहीं, कोई नहीं, ये डरपोक डरपोक बेटा ही आ गया भाई। आ गया ये जाओ देख लिया आपने। खाना खाने का किसी चीज़ से कोई होश नहीं है अभी। ऑर्डर भी खैर हमने दिया नहीं है, लेकिन ये मस्त है भाई। कहीं भी आ जाओ ना, ये मस्त है। क्यों बेगम सेवा रह नहीं है, है ना? ये मस्त है, इनको कोई होश नहीं है खाने वाले। नो बताओ ज़रा। चलो सेहान जफान आ जाओ, चले हैं चू रहने दे। ये जो अम्मा है ना, ये अम्मा, ये बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है ये अम्मा का। सही है। अच्छा जी, बच्चे राइस पे नहीं जाते क्या? बच्चे हम भी जाते थे तो इसके अब बच्चे भी जाएंगे। तो खाना नहीं खाएं? खाना अभी नहीं आ रहा ना। वाह भाई, आएगा जब अभी ऑर्डर के बाद भी तो टाइम लगेगा। खाना ही खाना है। जो आप खिला दें तो मैं चला दूँ। चलो भाई, आज जो है जो मैं खिला दूँ वो खाना खाएंगी। तो ये आज मैंने सोचा है कि आज हम खाएंगे दाल चावल। मैंने ऐसा ही सोचा। क्यों? उन्होंने खुद ही तो बोला है भाई कि आप जो आप खिला दें। तो आज हम खाएंगे दाल चावल, उसके साथ जो है ना अचार, ठीक है, और चपातियाँ मंगा। नहीं मिलती दाल, नहीं मिलती है। दाल नहीं मिलती। चले फिर एक काम करते हैं, यहाँ जो है ना भिंडी की सब्ज़ी मंगा लेते हैं, ठीक है, और दोपहर लंच वाला मेन्यू होता है। और एक मिक्स सब्ज़ी मंगा लेते हैं, इस तरह से करके कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, मैं आपकी मर्ज़ी का नहीं, अपनी मर्ज़ी का ही खाऊंगी। अपने अपनी मर्जी का खाएंगी ये। मुझे पता है उनको जो है ना आलू मटर की सब्ज़ी पसंद है, तो ये अपनी मर्जी से वो मंगाएंगी, ठीक है। जो जो मैं खिलाऊंगा ये वो खाएंगी, मुझे पता है। ये अच्छी बीवी है, ये हमारी अच्छी बीवी है, ठीक है ना। सो गाइस, बच्चों को झूले झुलाने के बाद जो है हम आ गए अपने टेबल पे। दोबारा से टेबल लग चुकी है हमारी, और अब बारी है ऑर्डर देने की, और अब ऑर्डर दिया जाएगा। ये जो है स्कूल की बुक खुल चुकी है, सिलेबस याद हो रहा है, सिलेबस में से क्या क्या आएगा। सही है, फ़ायदा नहीं है यार, मेन्यू मत देखो, मंगाना में वही दाल चावल है। दाल चावल है? दाल चावल खाएं। तो आपने क्या बोला कि आप जो मंगाएंगे मैं वही खाऊंगी? भाई उन्होंने यही बोला ना कि आप जो मंगाएंगे मैं वही खाऊंगी। मैं दाल चावल मंगा तो रहा हूँ, क्यों देख रही हो मेन्यू को देख रही हो? क्या मंगाओगी? लेकिन वो नहीं मंगवाएंगे। अच्छा जी, अच्छा भाई, ये कुछ भी मंगाएंगी, क्या मंगाएंगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से दाल चावल की ट्रीट है भाई। अगर ये बोले तो मैं इसी वक्त मंगा लेता हूँ, इतना बड़ा मेन्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बता दूँ। सही है भाई, ये हम ऑर्डर की टेबल पे आ चुके हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और जो है ना हमारी बारी है। भाई वेटर कहाँ है? वेटर अभी वो ऑर्डर दे रहे हैं। चलो भाई, हमारी बारी आने वाली है, वेटर आ रहा है इधर ही। क्या दूँ सोचता हूँ मैं, चलें देखता हूँ कि मुझे क्या ऑर्डर देना चाहिए। 5 minutes later यार, ये बताएं मुझे, नहीं मैं नहीं खाती। और एक चिकन का रेट
कर दी हाफ है ना, हाफ हाफ जो है ना ये चिकन फ्राई खाई करेगा एक रायता भी नहीं, सैलेड नहीं बस ओनली रायता, कढ़ाई से सैलेड था। 4% वाली कम है, फुल कर ले कढ़ाई, फुल कढ़ाई कर लेगी। नान चपाती, दो गार्लिक नान कर देना पापा। शादी खाएंगे गार्लिक खाएंगे, शादी नान खाते हैं पापा, पापा शादी नान खाते हैं, बता रही हूँ। आप गार्लिक नान खाएंगे शादी नान खाएंगे, देखो शादी सब पता है। दो गार्लिक दो शादी, तीन गार्लिक दो शादी, एक चपाती भी, एक चपाती भी, एक चपाती, तीन गार्लिक दो प्लेन, एक चपाती। नहीं सैलेड नहीं, ओनली रायता, और सूप पहले सर्व करते हैं, अभी करते हैं सूप। एक मंगाया मैंने सूप, तुम्हारे लिए मंगाना नहीं, बस बस एक। भाई देख लिया आपने, ऑर्डर तो हमने पूरा दे दिया है, और जो है अब है सिर्फ इंतजार, सिर्फ है इंतजार कि ऑर्डर कब आएगा। क्लॉक जो है चल रही टिक 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 टिक, तो अब देखते हैं कितने में ऑर्डर आता है। भूख बहुत टाइट लग रही है, बहुत बेस्ट सभी भूख लग रही है, और खाना देखें आप कितना इंतजार करना पड़ता है। दुआ करें आपकी जल्दी आ जाए यार प्लीज। A little longer than a few minutes later. बहुत गर्म है, यम्मी बेहतरीन है। ले भाई हमारा ऑर्डर आ चुका है फाइनली, देखना ठीक है पहले खाना खा लो। वाह भाई वाह, ये कढ़ाई है जबरदस्त, ये मम्मा का जो है, हमारी मम्मा का पर्सनल खाना खाती है अलग, इनके मम्मा का थोड़ा थोड़ा लाज चल रहा है। सारी बातें सुनता मेरा लाडला। यम्मी, शक्ल में तो बेगम यम्मी लग रहा है, खाने में पता चलेगा यम्मी है या नहीं है। ये पप्पा ने कढ़ाई मंगाई थी अपने लिए, और ये मैंने अपने लिए कबाब और सूप और मिक्स मंगाया है सबके लिए, हमने सबके लिए मिक्स, हम मिक्स मिल बांट के खाते हैं। सबसे पहले ये शाही कढ़ाई, 9 out of 10। अब इसके बाद ये तुर्किश कबाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप खाना दिखाएं, पूरा मैंने खाना खा लिया ठीक है बस पेट भर के, और मैं खाना खाऊं उसके बाद ये मेन ना हो ना मेरी ज़िंदगी में, मेरे खाने कोई मकसद नहीं है। मैं घर में भी वाइफ से ही बनवाता हूँ, और जब बाहर आता तब भी रेसिपी भी जल्द शेयर करेंगे हम, इसका भी हम जो है रेसिपी शेयर करेंगे बहुत जल्द। ये देखिए सनफ्लावर भी मेरे जैसा, हम मेरे जैसा लग रहा है, तो ये हो रहा है बदतमीजी मार्गरेटा, मैं ये इन्जॉय करता हूँ। आप लोग मेहनत कम लगाया करें यार प्लीज़, इतना लगा लें आप लोग अपने बंदे हैं ठीक है। तो फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह घर पहुँच के थोड़ी देर बाद ठीक है भाई, जल्दी से मिलता हूँ और घर जाऊँ, घर पे फिर आप लगा दोगे सारी बातें घर पर ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जी मेरी YouTube फैमिली वेलकम बैक, और हम लोग घर आ चुके हैं यार, थकन बहुत हो चुकी है, और खाना बहुत मज़ेदार था जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज गए थे हवेली, हवेली रेस्टोरेंट हाईवे पे, तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। मैंने जो है ना तुर्किश कबाब मंगाए थे, और जो है ना शाही कढ़ाई मंगाई थी, तो ये दो चीज़ें मंगाई थी, और जो है ना मैंने हॉट एंड सॉट सूप भी मंगाया था, वो भी मैंने आपको बताया कैसा था। तो खाना जो है ना बहुत अच्छा था, और बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों बाद आउटिंग हुई, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया बच्चों का भी हमारा भी सबका। तो इसी बस इसी नोट के साथ जो है ना मुझे इजाज़त दीजिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में, किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ, किसी नए रिव्यू के साथ, किसी भी नई चीज़ के साथ इंशाअल्लाह, या किसी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो मुझे देख रही है ना, वो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रही है। तो यार कर दो यार, आपका ही बंदा हो यार, आपका ही दोस्त हूँ यार, प्लीज़। ठीक है, तो अपना सपोर्ट दिखाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।